ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे देही अभिमानी, बाप तुम्हें देही अभिमानी भवा का पाठ पढ़ाते। देही अभिमानी जो देह को जीत कर चलता है, हमेशा प्रकृति जीत है शिव बाबा, और हम लोगों को प्रकृति जीत बना रहा है। तो देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भवा का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना, देह अभिमान को छोड़ना, देह का कोई अहंकार ना रहे। हम सब फरिश्ते हैं, हम सब आत्माएं हैं। प्रश्न है, देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न हो जाती है? देह अभिमान में आने से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? उत्तर है नाम रूप की। नाम और रूप में फंस जाते हैं, वैसा है वैसा है, नाम रूप में नहीं फंसना है। बाबा कहता आत्मा आत्मा देखो, यह बीमारी ही विकारी बना देती है, विकारी बना देती है, विकार का अंश आने लग जाता है। इसीलिए बाप कहते आत्माभिमानी रहने की ही प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए, देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाओगे, मन बुद्धि भी पावन बन जाएगा। बाप तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते। ये जीवन मुक्त बनने का युक्ति है। देह अभिमान था ना, मेरा परिवार, मेरा ये वो, मेरा पन छूट गया तो हल्का हो गए। तो बाबा कहता है कि तुम जीवन बंध में थे, बंधे हुए थे, अब जीवन मुक्त में आ गए हो तो कर तो रहे सभी कुछ। सतयुग में भी देखिए, बेटा होगा, बेटी होगी, महल होगा, घर, पुष्पक विमान, सब कुछ होगा, लेकिन उसमें फंसेंगे नहीं, तो वो स्थिति यहाँ से ही बनाना है। तो बाबा कहता है तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त में बनने की युक्ति बताते हैं बाबा। यही पढ़ाई है, पढ़ाई रोज क्या पढ़ाया जाता है कि बंधन मुक्त बनो, दे अभिमान से मुक्त बनो। ओम शांति। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्माभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर ही बैठना है यहाँ पर, शरीर नहीं, मैं आत्मा इस शरीर को जीत कर बैठी हूँ, आत्मा मैं मालिक हूँ, इस रूप में यहाँ पर बैठना है। किसको याद करना है? बाबा पूछता किसको यहाँ याद करना है? केवल एक बाप को, सिवाय बाप के और कोई को भी याद यहाँ पर नहीं करना है। किसी भी चीज़ की, बोलते हैं ना, काम छोड़कर आए या कोई परिवार है, कुछ भी याद आ जाता है, कुछ भी यहाँ याद नहीं आना चाहिए। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो याद किनको करना है? बाप को करना है, क्योंकि बेहद का वर्षा मिल रहा। बेहद का बाप आकर समझाते हैं देही अभिमानी भवा। बार बार आज क्या बोल रहा बाबा? आत्मा समझना अपने आप को। आत्माभिमानी भवा, देही अभिमानी भवा, देह अभिमान को छोड़ते चले जाओ। आधा कल्प तुम यही तो देह अभिमान होकर रहे, फिर आधा कल्प देही अभिमानी होकर रहना है, तो तैयारी अब किसका करना है? देह अभिमान में आने से दुख में गिरते चले गए, अब देही अभिमानी बनेंगे तो सतयुग के महाराजा बनेंगे। तो सतयुग त्रेता में तुम क्या थे? देही अभिमानी, आत्माभिमानी होकर रहते थे। वहाँ मालूम रहता है कि हम आत्मा हैं, वहाँ ये मालूम रहता है हम ये ड्रेस पहनकर खेल पाल कर रहे हैं। अब यह शरीर बूढ़ा हुआ, अब इसको छोड़ना है, ये सब कुछ वहाँ चलेगा। यह चेंज करना है, अब ये शरीर रूपी वस्त्र सर्प के मिसाल तुम चेंज करोगे, एकदम एक तरफ से खाल निकलेगा, दूसरी तरफ से आत्मा निकल कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो, इसको इसीलिए तुमको अभी आत्माभिमानी बनकर रहना है। रोने धोने की दरकार नहीं कि कोई शरीर छोड़ा तो रोए, हम शरीर छोड़े तो कोई और रोया, नहीं, रोने का दरकार नहीं, ऐसा बना कर जाना है। कौन ये सब बात बता रहा है? देह अभिमानी वाला बाप नहीं बता रहा है, यहाँ पर देही अभिमानी वाला बाप बता रहा है। तो जो सदैव आत्माभिमानी है, बाप कैसा है? जो सदैव है आत्माभिमानी, वह कभी देह अभिमानी बनते ही नहीं। शिव बाबा कभी देह अभिमान में नहीं आते, भल ब्रह्मा का शरीर लेते 100 साल के लिए लेते हैं तो भी वो देह अभिमान में नहीं आते, तो भल एक बार ही आते हैं, लेकिन आते तो है ना इस शरीर में, तो भी देह अभिमानी नहीं बनते हैं, क्योंकि यह शरीर तो उनका पराया, लोन लिया हुआ शरीर है। कोई कितना भी साल आप रह जाए रेंट के, रेंट में, वो घर आप थोड़ी मान लेंगे, लेकिन आजकल तो मतलब रेंट को भी अपना बना लेते हैं कि मेरा है,
लेकिन बाबा कहता नहीं, रेंट का याद तो मन में बुद्धि में रहता है ना, ये रेंट है, मेरा अपना घर नहीं है। तो इस शरीर से उनका लगाव नहीं रहता है, लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता है ना, लोन लेने वाले को थोड़ी लगाव रहेगा पैसों से, देना है देना है। जानते ये शरीर तो छोड़ना है, बाप समझाते हैं, मैं ही आकर तुम बच्चों को भी पावन बनाता हूँ, तुम सत्व प्रधान थे फिर तमो प्रधान बन गए। बाबा सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनने का राज बता रहा है कि कैसे हम बन गए। अब फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखलाता हूँ कि तुम मेरे से योग लगाओ तो पावन बन जाओगे। योग अक्षर ना कह, याद अक्षर कहना ठीक है। याद सिखलाता हूँ कैसे याद करना, बच्चे बाप को याद करो। बाप को क्यों ऐसे बाबा कह रहा, रिश्ते से याद करो। भगवान भगवान करके याद नहीं करना है, रिश्ते से याद करना है। अभी तुमको भी बाप को याद करना, आत्मा ही याद करती है अपने पिता को। जब रावण राज शुरू होता है तो तुम बच्चे देह अभिमानी बन पड़ते हो। जब रावण राज द्वापर से शुरू होता है तो हम देह अभिमान में फंसने लग जाते हैं, फिर बाप आकर आत्माभिमानी बनाते। ये खेल चलता है, कभी आत्मा का पाठ चलता है तो कभी शरीर का पाठ चलता है। देह अभिमान बनने से तुम नाम रूप में फंस पड़ते हो, ये मेरा है, ये पराया है, ये अपना है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये सब में नाम रूप में फंस जाते हैं। विकारी इसी से शुरुआत होता है, विकारी पना का शुरुआत इसी से होता है, ये नर है, ये नारी है। नहीं तो तुम सब निर्विकारी थे, महासत्युग में कोई विकारी नहीं होता है, सभी देव बाबा कहता वहाँ सभी निर्विकारी थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाती हूँ। ज्ञान किसको, भक्ति किसको कहा जाता है, यह तो बाप ने ही ना समझाया। पहले क्या समझते थे, हमारे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, और फिर जब बाबा ज्ञान दिया तो सब चकनाचूर हो गया, कोई ज्ञान ही नहीं था, तभी तो दुखी थे। तो भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जब ज्ञान नहीं रहता है, जबकि पांच विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही राम राज और भारत में ही रावण राज होता है, विदेशों में नहीं होता इतना, जितना यहाँ होता है ना भ्रष्टाचार, ये सब बाहर में नहीं होता है। परंतु ये नहीं जानते कि कितना समय राम राज्य चलता है, कितना समय रावण राज्य चलता है। इस समय सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि बन गए हैं, पैदा ही भ्रष्टाचार से होते, विकारों से होते हैं, तो वैसा ही आ जाता ना संस्कार, इसीलिए इसको विषय विकारी वर्ल्ड कहा जाता है। विषय विकारी वर्ल्ड, विषयों में फंस जाते हैं। तो बाबा कहता विषयों में फंसोगे तो विकारी बन जाओगे। नई और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है, बाबा बार बार अंतर बताता है कि नई दुनिया दिन, पुरानी दुनिया रात। रात माना चोट लगना, दुखी होना, भटकना, और दिन मतलब स्थिरता, सब कुछ दिख रहा है तो क्या खोजने जाएंगे, सारा एक जगह बैठे हुए सारा सामान दिख रहा है, कहाँ क्या है, और रात में तो दिखता ही नहीं। तो नई दुनिया में सिर्फ भारत होगा, विदेश नहीं होंगे। भारत जैसा पवित्र खंड कोई और बन ही नहीं सकता, क्यों नहीं बन सकता, भारत जैसा पवित्र खंड कोई भी देश नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहीं पर शिव बाबा का अवतरण होता है, क्योंकि यहीं पर देवी देवताओं का राज्य होता है। तो फिर भारत जैसा आप पवित्र भी कोई नहीं बन सकता है, गरीब भी कोई नहीं बनेगा, आप पवित्र भी कोई नहीं इतना बनेगा, जो पवित्र वही आप पवित्र बनता है, जो बच्चा जन्म लिया वो बूढ़ा जरूर होता, जो जन्म ही नहीं लेगा वो कैसे बूढ़ा होगा। तो बाबा कहता फिर पवित्र बनता है, तुम जानते हो देवी देवताएं पवित्र होते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते फिर आप पवित्र बन जाते हैं, बन गए हैं अभी। तो सबसे जास्ती जन्म भी यही लेते, कौन, ब्रह्मा बाबा, सबसे ज़्यादा जन्म, सबसे पहले आए और सबसे लास्ट तक रहेंगे, तो सबसे ज़्यादा जन्म लेते हैं। बाप समझाते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में भी अंत में आता हूँ। अंत का जन्म है दादा लेखराज, और दादा लेखराज का भी पूरा जन्म तो हो चुका था ना 60 साल, 60 साल के बाद बाबा प्रवेश किया। तो ये क्यों, कलयुग जब लास्ट होने लगता है तब शिव बाबा का अवतरण होता है, उनका जन्म लास्ट जन्म का भी लास्ट होने लगता है तो बाबा उसमें प्रवेश करता है, ये सब नूंधा हुआ है बहुत। तो यह पहला नंबर ही 84 जन्म पूरे कर वानप्रस्थ अवस्था आती है, 60 साल उम्र होता है तब मैं प्रवेश करता हूँ। कलयुग जब लास्ट में पहुँच जाता है तब शिव बाबा आकर सत्य बनाने का कार्य करता है, पहले नहीं, शुरुआत कलयुग में नहीं करता है।
त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं, परंतु किसी को मालूम नहीं क्योंकि तमो प्रधान बन चुके हैं ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं त्रिमूर्ति, मालूम नहीं है किसी को कि कौन है, इनको बनाने वाला कौन है। किसी की भी बायोग्राफी को किसी मनुष्य मात्र को पता ही नहीं, कोई नहीं जानते थे कि नाटकों में क्या दिखाता था सीरियल में कि ब्रह्मा विष्णु से श्रेष्ठ है, विष्णु ब्रह्मा से श्रेष्ठ है, शंकर सबसे श्रेष्ठ है जो विनाशकारी है। तो वहाँ कुछ समझ में नहीं आता भगवान है कौन, मूझे हुए थे उसको मानो उसको मानो, सब में उलझा दिया था। तो पूजा करते हैं परंतु सब था अंधश्रद्धा, भटकाव था अंधश्रद्धा। भक्ति को कहा जाता है ब्राह्मणों की रात और सत्युग त्रेता है ब्राह्मणों का दिन। अब ब्रह्मा प्रजापिता है तो जरूर बच्चे भी होंगे ना, यह भी समझाया है कि ब्राह्मणों का कुल है, डिनास्टी नहीं, राजधानी नहीं है। जैसे यहाँ पर ब्राह्मण सोचते हैं हम राजा बन गए, तो ये ब्राह्मणों का राज्य नहीं है, यहाँ पर परिवार है और परिवार में ये रिगार्ड होता है, बड़े भाई है, बड़ी बहन है, माता पिता तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा है देह शरीरधारी में, बाकी हम सब भाई बहन हैं, उसमें कोई बड़ा है कोई छोटा, सबको रिगार्ड देना है, परिवार है। ब्राह्मण है चोटी, चोटी भी देखने में आती है, फिर ऊँची से ऊँचा पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा शिव, उनका नाम तो एक ही है परंतु भक्ति मार्ग में अथाह नाम लगा दिए। क्यों अथाह नाम? अब देखिए एक लड़की का नाम जब रहती है तो उसका एक ही नाम होता है, जैसे ही शादी होता है मामी चाची काकी बुआ सब बन जाती, कितना सरस, तो अलग अलग। तो ये सब कर्तव्यवाचक नाम शिव बाबा पर भी पड़ता, अमरनाथ सोमनाथ महाकाल, ये सब नाम उनका कर्तव्यवाचक है। भक्ति मार्ग में चह चटा मतलब भव का बहुत होता है, भव का दिखाते हैं ना बहुत। भक्ति मार्ग की आत्मा किसको किस चीज़ को देखती है? भव का देखती है, आकर्षण देखती है, जितना ज़्यादा आकर्षण होगा वो आकर्षित होती है। कितने चित्र, कितने मंदिर, यज्ञ तप दान पुण्य आदि वो करते हैं, कहते भक्ति से ही तो भगवान मिलता है। किसी को मिलता है क्या? किसी को मिलता है? जो पहले पहले आते वही पहले पहले भक्ति जो करते हैं उसके कारण मिलते हैं भगवान, भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। लेकिन जो सत्व प्रधान भक्ति किए उनको भगवान मिलते हैं। अब भक्ति तो आज सभी कर रहे हैं तो वो भटकने वाला भक्ति कर रहे हैं तो इसलिए उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ देखिए कि कभी उसको माँ जी कभी उसको बाप जी कहेंगे, कोई माँ बाप नहीं बनता है। लेकिन एक की भक्ति शुरू में होती थी वो भी सत्व प्रधान, फिर हो गया राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण ये सब की भक्ति, सब सत्व प्रधान थी। अब सत्व प्रधान नहीं रहा, अब तो बस करना है किसी तरह बेड़ा पार हो। ऐसे भी कोई व्रत करते गच्छ दिए हैं तो पूरा तो करना पड़ेगा ना, ऐसा भारी हो के करते हैं, क्या करें उस समय ऐसा मजबूरी आ गया ना कि हम गच्छते चले गए। ये कैसा है, ये क्या है कि गच्छते चले गए, मतलब आप जब मांगना था तो आप मांग लिए और उसके बाद मजबूरी हो गया। तो जो ब्राह्मण सो देवता बनते वही यथा राजा रानी तथा प्रजा बनते हैं। सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्मो देवी देवता धर्म था, ये 5 क्वालिटी था। क्या क्या? सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ तो भारत में ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अथा धन था उस समय। बाप याद दिलाते पहले पहले तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो, सब लेंगे, द्वापर की आत्मा 84 जन्म थोड़ी लेगी, नहीं लेगी, फिक्स है। सत्युग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म और द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म। अब जैसे कलयुग में जो जन्म लेंगे तो उनका 42 जन्म के अनुसार ही होगा ना, अब थोड़ी 43-44 हो जाएगा, नहीं, कितना भी जल्दी जल्दी जीवन मृत्यु होगा लेकिन 42 जन्म फिक्स है। तो इस तरह से सत्युग में 8 जन्म फिक्स है, अब बाद में आएंगे तो आपका जन्म कम हो जाएगा, तो है सिर्फ 84 जन्म, न बढ़ सकता न घट। वह फिर कह देते 84 लाख जन्म, कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दिए। बाप कहते यह 5000 वर्ष का ड्रामा बना हुआ है तो यह हुआ ज्ञान, 3 घंटे का पिक्चर बना हुआ है तो ऐसा थोड़ी है कि बढ़ घट जाएगा, नहीं वो वही पिक्चर रहेगा। ज्ञान सागर एक ही शिव बाबा गाया जाता, वह है हद का बाप, ये तो बेहद का बाबा है। हद के बाबाओं के होते हुए भी बेहद का बाप को याद करते हैं ना, हद का इतना साधु सन्यासी है लेकिन
फिर भी बेहद का बाबा शिव बाबा को याद करते हैं लोग, क्यों? पूर्ति नहीं होता है, कितना भी देहधारी से जुड़ जाइए आपको पूर्ति नहीं होगा, मन को शांति नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सत्य से जुड़ जाइए आपका मन शांत हो जाएगा। इसीलिए कितना भी गुरु कर ले, कितना भी साधु महात्मा पास चले जाएं, लेकिन भगवान को याद जरूर करेंगे। जबकि दुखी होते तब भगवान को याद करते, पुनर्जन्म लेते लेते दुनिया पुरानी तमो प्रधान बन जाती है, फिर बाप आते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है, सेकंड में जीवन मुक्ति, बच्चे सारी चिंता मुझे दे दो, तुम बेफिक्र बादशाह हो जाओ, तो सारी चिंता दे देता है। किससे? बेहद के बाप से हम लोगों को जीवन का मुक्ति मिलता है। तो जरूर जीवन बंध में है, बंधे हुए ना, मेरा परिवार, मेरा ये वो, कुछ भी काम देने वाला नहीं है, कुछ भी बाबा रोज रोज डिटैच करवाता है कि बच्चे कुछ भी काम देने वाला नहीं है। पतित है फिर पावन बनना है, यह तो सेकंड की बात है, ज्ञान एक सेकंड का है, क्योंकि पढ़ाई तो तुम बहुत पढ़ती हो, वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, कि वो कुछ ना कुछ आप सुनेंगे, अगर कितना भी अच्छा प्रवचन कर रहा है कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक नजर आएगा, पूरा आत्माभिमानी हो के उन लोग के पास तो आत्मा का ही पूरा ज्ञान नहीं है, तो उन लोग के अंदर कुछ ना कुछ देहाभिमान वाला बात आ ही जाएगा, कितना भी वो सुन ले ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान, लेकिन वो बोल ही देंगे कि यहाँ ऐसे गलत, तो परखने का शक्ति चाहिए। ऐसे तो बाहर से सुनने में नहीं, बहुत अच्छा प्रवचन दे रहा, बहुत अच्छा, परखने की शक्ति नहीं है इसलिए लग रहा बहुत अच्छा, आत्माभिमानी होकर सुनेंगे आपको पता पड़ जाएगा कि वो गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। तो वहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, पढ़ती तो आत्मा ही है सब जगह, लेकिन आत्मा क्या पाठ पढ़ती है? हाँ, सुख शांति सबको अच्छा लगता है ना, तो कहीं भी प्रवचन में अगर सुख शांति का चर्चा होता है तो अच्छा लग रहा है, परंतु देह अभिमान के कारण अपने को आत्मा भूल कर कहते हैं वो लोग, हम फलाना मिनिस्टर हैं, हम ये हैं, आखिर आज क्यों लगा रहे हैं श्री श्री 108, कितना गलत काम किए, श्री श्री 108 तो एक शिव बाबा है जो 108 की माला बनाता है, क्या वो बनाते हैं? तो ये सब क्या है? देह अभिमान, अपने आप को भगवान साबित कर रहे हैं। तो वास्तव में है सब आत्मा, परमात्मा नहीं, बेटा बेटा है, बाप बाप है, आत्मा मिस्टर मिसेज के तन से पाठ बजाती है, या भूल जाते हैं वो लोग कि आत्मा पाठ बजा रही है नर या नारी का चोला लेकर, नहीं तो आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, कोई क्या बन जाते हैं, कोई क्या बनते हैं, बाप समझाते अभी यह पुरानी दुनिया बदल नई बनती है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर रिपीट होगी, वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा बार बार चर्चा करता है ना, हिस्ट्री जो हमारा देवी देवता, हाँ हाँ, तो हिस्ट्री माना वहाँ हम लोग क्या कितना जन्म लिए, कैसा शरीर लिए, क्या करते थे, ये सारा हमारी हिस्ट्री हो गई, और ज्योग्राफी हो गया कि जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति, बोलते हैं ना जैसा आप रहेंगे वैसा वायुमंडल, तो वहाँ का वायुमंडल भी शुद्ध पवित्र रहेगा, वहाँ वर्षा कैसा होगा, गर्मी कैसा पड़ेगा, ये भौगोलिक स्थिति भी बताया जाता, कितना दूर तक स्वर्ग होगा, ये सारा चीज। तो नई दुनिया है सत्व प्रधान, घर भी पहले नया होता है, तो कहेंगे ना सत्व प्रधान, फिर पुराना जड़जड़ी भूत तमो प्रधान होता है। इस बेहद के नाटक व सृष्टि चक्र का नॉलेज को समझाना है, क्योंकि यह पढ़ाई है, बहुत अच्छे से समझाना। आज देखिए कितना भी पुराना मकान कोई खरीद लेता है, उसको पुट्टी करा दे, पेंट पोचाला कर दे, लेकिन कितना देर टिकता है, रहता है नया जैसा, लेकिन जो नया बनता है उसको करवाइए पेंट पोचाला, उसका रंग रूप ही अलग होता, मजबूती अलग होता है, तो पुराना कितना भी उसी तरह जब द्वापर आया ना तो कितना लीपा पोती किया गया, लेकिन और ही नीचे गिरता गया और खराब होता गया। तो भक्ति नहीं है यहाँ, पढ़ाई है, यहाँ भक्ति नहीं करना है, पढ़ाई करना है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, क्योंकि भक्ति में कोई लक्ष्य ही नहीं होता है कि हमको ये बनना है, भक्ति में तो केवल चरणों की धूली बन जाते हैं, चरणों में झुक झुक के प्रणाम करते रहते, और यहाँ पर तो नमन करने योग्य बाबा बना रहा है। तो जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहो, क्या मिल गया, क्या मिल गया, लोग इतना सारा संस्कृत का श्लोक कहने लगते हैं, इतना सारा श्लोक ये सब पढ़ते थे साधु महात्मा, लेकिन फिर किसी ने क्या कह दिया कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, जो प्रेम का पाठ पढ़ लिया
वही पंडित है। कितना भी धर्म शास्त्र पढ़ ले, गीता का श्लोक याद कर ले, कोई फायदा नहीं। तो यहाँ तो दुनिया को बदलना है, कैसा बनाना है, सतयुग लाना है, जहाँ आत्मा अपने सतो गुण में स्थित होती है। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से, द्वापर से भक्ति शुरू होती है। तो यह बाप रूहानी बच्चों को बैठकर समझाते हैं, इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज, रूहानी ज्ञान, मतलब आत्मा का ज्ञान दिया जा रहा है। शरीर से उनको कोई वास्ता नहीं है बाबा को, यहाँ तो आत्मा से वास्ता है बाबा को। तो रूहानी नॉलेज कौन सिखलाएगा, आत्मा में मन बुद्धि में क्या चल रहा है जो जानेगा वही तो सिखलाएगा ना। तो शिव बाबा तो अंदर बाहर सब देख रहे हैं कि हमारे अंदर में क्या चल रहा, पूरा पिक्चर देख रहे हैं कि अंदर में क्या क्या चल रहा, वो पूरा सुन लेते हैं, जोर से आवाज सुनते हैं। तो सुप्रीम रूप यानी परम पिता ही ये सब सिखला रहा है, वह तो सभी का बाप है ना। तो लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहते हैं, पूजा लौकिक पिता तो पुजारी बनते हैं, वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, कितना गलत कर देते। बाप बेटा कभी बाप बन सकता है बाप के जगह में? बेटा बाप बनेगा अपने बच्चों का, लेकिन बाप की जगह में कह देना कि वही बाप है तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया। तो बाप कहते यह बहुत बड़ी भूल है, पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है, हम आत्मा इस ब्राह्मण कुल के बने, फिर देवता कुल में जाएंगे। यह ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम कुल है, क्योंकि इस कुल में केवल उड़ना चढ़ना होता है और देवी देवता कुल में भी गिरना होता है, तो ये सर्वोत्तम कुल है। ब्राह्मणों की डिनास्टी नहीं कहेंगे कि हम राजा बन गए, मेरा राजधानी चले, नहीं, यहाँ पर माता पिता भाई बहनों का एक परिवार बनता है। चोटी है ब्राह्मणों की, सबसे ऊंची चोटी है, तुम ब्राह्मण हो ना तो सबसे ऊपर में है शिव बाबा, भारत में विराट रूप बनाते हैं, परंतु उसमें भी न ब्राह्मणों की चोटी दिखाते हैं न चोटियों का, ब्राह्मणों का बाप को दिखाते हैं, विराट रूप दिखाते हैं लेकिन ना ब्राह्मण दिखाते हैं ना ब्राह्मणों के बाप को यानी शिव बाबा को दिखाते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, त्रिमूर्ति का अर्थ भी नहीं जानते, नहीं तो भारत का कोट ऑफ आर्म्स त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए। क्या दिखाते हैं, तीन शेर दिखाते हैं ना, तीन शेर दिखाते हैं तो आर्म ऑफ कोर्ट्स का। तो बाबा कहता है कि वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाना चाहिए, लेकिन दिखाता है तीन शेर, स्थूल रूप में दिखा दिया है। अभी तो यह कांटों का जंगल है, तो जंगली जानवरों का कोट ऑफ आर्म्स बना दिया है, कोट ऑफ आर्म्स बना दिया है। उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। अच्छा, शेर शेरनी जिएगा क्या, जिएगा क्या, वो तो मर जाएगा। तो सत्यमेव जयते, यहाँ पर सत्य ऊपर में शिव बाबा रखना चाहिए, जैसे बाबा बनाता है ना बनाया चित्र, ऊपर में शिव बाबा, नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, और लिखना चाहिए सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। सतयुग में दिखाते शेर बकरी इकट्ठे जल पीते, ये क्यों दिखाया गया है, शेर बकरी इकट्ठा जल कैसे पी सकता है, वो संस्कार यहाँ से जा रहा है ना, यहाँ पर शेर जैसा परिस्थिति आएगा और हम बकरी माना एकदम शांत होकर उस शेर का सामना करेंगे, शेर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, परिस्थिति हमारा कुछ भी बाल विवाह का नहीं करेगा, तो उसी का स्थूल रूप प्रकृति तैयार होगा कि शेर बकरी इकट्ठे जल पिएंगे। सत्यमेव जयते माना विजयी आत्मा बनकर जाएंगे यहाँ से हम सभी, तो सब छीरखंड होकर रहते, सब मिलजुल कर यहाँ रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने की दरकार रहती है, लून पानी नहीं होते हैं तब जाके सतयुग में, इसीलिए तो छटैया होता है ना, यहाँ पर छटाई होगा, जो लड़ाई कर रहे हैं, जैसे बोलते मेरा एरिया है, मेरा सेंटर, हम उसी सेंटर तक रहेंगे, कुछ भी एक दूसरे को देना लेना पसंद, तो ये क्या कर रहे, बस एरिया तक सीमित रहो, कितना राजधानी मिलेगा, राजधानी में कम से कम बाबा बहुत बार बोला 9 लाख तैयार करो, 9 लाख तैयार करो, क्या 10-20 से राजधानी बन जाएगा क्या, 10-20 तो दास दासी भी नहीं होगा। तो रावण राज्य में लून पानी, राम राज्य में छीरखंड होकर जाते हैं, तो यहाँ से ही हमें क्या बनना, छीरखंड होकर, मतलब एक मैं परिवार बनकर जाना है। इनको कहा ही जाता कांटों का जंगल, एक दो को पहला नंबर कांटा विकार लगाते रहते हैं। बाप कहते काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, काम विकार शुरू होता है द्वापर से, द्वापर के शुरुआत में दुख दिया, जैसे ही विकार आया उथल पुथल मच जाता है, जब पहली बार विकार में जाते हैं राधे कृष्ण तो के लक्ष्मी नारायण तो, और उथल पुथल पूरा भूकंप आता है, भूकंप के कारण ही आप ग्लोब को जो देखेंगे हल्का सा टेढ़ा है,
ऐसी झुका हुआ है 1.5 इंच, और उसके बाद फिर से वही भूकंप आएगा, फिर से वो सीधा हो जाएगा। ये पाठ है, खेल है। तो नाम ये रावण राज, बाप कहते 5 इन 5 विकारों पर जीत पाकर तुम जगत जीत बनो या अंतिम जन्म निर्विकारी बनो। तुम तमो प्रधान पतित बने हो, फिर सतो प्रधान पावन बनो। गंगा कोई पतित पावनी नहीं है, शरीर का मैल तो घर में पानी से भी उतर जाता है, तो गंगा नदी में क्यों जाते हो? अगर वो पानी छू भी नहीं सकता आत्मा को, तो पतित से पावन कैसे बनाएगा? तो आत्मा तो सिर्फ साफ नहीं हो सकती है, आत्मा तो साफ ही नहीं हो सकती है पानी से। भक्ति मार्ग में कितने ढेर के ढेर गुरु लोग भी होते हैं, सतगुरु तो एक ही सदगति करने वाला है, सुप्रीम बाप ही है, सुप्रीम टीचर भी और सुप्रीम सतगुरु भी है, तीनों ही रूप में एक साथ काम कर रहा है बाबा। अगर आप बाप के रूप में याद करते तो भी तीनों याद आएगा, क्योंकि पढ़ाई भी याद आएगा और वरदान भी याद आएगा। तो वही तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी की भी याद, किसी को भी याद नहीं करना है। क्लियर है सबके पास? किसी को भी याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस जरूर करनी है। देही अभिमानी सेंटरों में आप जाएंगे, दीदियां जो बोल देगी शांत होकर हाँ जी करना है, उससे ज़्यादा बोल ही नहीं सकते। बड़ी बड़ी दीदियों के पास जाएंगे तो उनके संबंध संपर्क में आना है और देखना है। यहाँ तो आप लोग नहीं देखे हैं, लेकिन रह कर हम लोग देखे हैं उनके पास। तो इसलिए बाबा कहता है हमेशा देही अभिमानी बनने का प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, मुझे रिगार्ड देना है सबको, सबसे छीरखंड होकर रहना, मिलाकर सबको चलना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। इस समय विकारों पर जीत बहुत इजी होता है, किसी का दिल जीतना। अगर वो संबंध संपर्क में बार बार आ रहा है तो आप बिना दिल जीते नहीं रह सकते, क्योंकि आपको साथ में रहना और लड़ाई झगड़ा चले तो अच्छा लगेगा क्या एक परिवार में भी? तो इसीलिए सबको मिलाकर चलना है। वरदान है बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने। बाबा कहता है कि अगर बाप की अब छत्र छाया में तो सदा मौज का अनुभव होगा, और कराने वाले भी बनोगे, करने वाले भी बनोगे और कराने वाले विशेष आत्मा बन जाओगे। खुद भी मौज में रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे और दूसरों को भी अनुभव करवाएंगे कि बहुत अच्छा। जहाँ बाप की छत्र छाया वहाँ सदा माया से तुम सेफ रहते हो। माया कुछ भी नहीं कर सकती, हमारे चारों तरफ एक प्रकाश का ऑरा बना हुआ है, और माया आएगी तो इतना ही दूर से वार करेगी जरूर, यहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। तो छत्र छाया के अंदर माया आ ही नहीं सकती, ये गारंटी है। लेकिन आप सीता बनकर लक्ष्मण रेखा को लांघ देंगे तो क्या होगा? माया तो आपको पकड़ेगी ना। तो मेहनत से स्वतः दूर हो जाओगे अगर आत्माभिमानी बनकर रहोगे, मौज में रहोगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव नहीं करने देगी। अगर आप निश्चिंत रहते हो तो मौज है, अगर दे अभिमान में रहोगे तो मौज खत्म हो जाएगा। मेहनत अनुभव का कैसे करना है, क्या करना है? छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्मा ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती, निश्चिंत हो जाती, बाबा कराने वाला है, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी आत्मा है। उन्हें निश्चय रहता, बार बार यही ख्याल आएगा कि हम तो विजयी आत्मा है, हम हर कल्प में विजयी बने थे, तो विजयी बनते चले जाएंगे। जब शुरुआत में उसी समय कोई बताया था कि डेली संकल्प करो, मैं कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा हूँ जो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हूँ, ये संकल्प रोज रटते थे और कार्य में आगे बढ़ते चले गए। और कदम भी बढ़ाना है उस हिसाब से, जब विश्व कल्याणकारी, तो आप एक सेंटर, एक एरिया, एक राज्य तक सीमित नहीं रहेंगे। आपके अंदर संकल्प उठेगा मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो सबको लेके चलने का आएगा भाव। तो पास हुए पड़े हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो पास हुए पड़े, निश्चिंत हो जाएं। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो, निश्चिंत होने का संदेश देना है, यही मुख्य सेवा है।
कि खुद भी निश्चिंत रहो, दूसरों को भी निश्चिंत बनाओ। स्लोगन है, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता वही नाराज होता है। जो जान जाता है राज को वो नाराज क्यों होगा, कोई भी बात में नाराज नहीं। सब चीज एक्यूरेट बना हुआ, सूरज इतने टाइम पर उगेगा, चाहे कितना भी कुछ हो जाए सूरज उतने ही टाइम में डूबेगा, इतने समय में चांद आएंगे, तारे आएंगे, फिर वो छुप जाएंगे, सब कुछ लूंगा हुआ है सब कुछ। और हम लोग बोलेंगे कब सूर्य निकलेगा, कब सूर्य, छठ में होता है ना, छठ में होता है ना, इंतजार करते हैं, रोज इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन सुबह सुबह अर्घ के समय सूर्य भगवान आज लेट कर रहे, लेट नहीं कर रहे, आप जल्दी आकर आज बैठ गए हैं, वो तो अपने टाइम पर ही उगते हैं, है ना। उसी तरह हम लोगों का कर्मों का भी फल है, सबका टाइम टाइम पे मिलता रहेगा, उसका खाता एक्यूरेट चल रहा है, उसमें कोई, बाबा कहता ना कि हम लिखा पढ़ी भी नहीं करते, वो बना हुआ है ड्रामा। ओम शांति।